Hi everyone, welcome to my channel. My name is Priya Dogra and I'm back again with another video. आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ इंटर्नशिप स्कीम जो कि ऑफ़र की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से। ये इंटर्नशिप लाइव रहेगी 30 अप्रैल तक, सो आप लोगों के पास अच्छा मौका है। 30 अप्रैल से पहले पहले आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अकेली इंटर्नशिप नहीं, आपको यहाँ पे भी किया जाएगा। दैट मीन्स आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड यहाँ पे मिलने वाला है, अराउंड अबाउट 20,000 पर मंथ आप यहाँ पे ले सकते हैं। सो किस तरह की इंटर्नशिप है, कैसे आप लोगों ने इसके अंदर अप्लाई करना है और क्या क्या बेनिफिट स्टूडेंट्स के लिए रह सकते हैं, सारी डिटेल्स की बात करूंगी वीडियो के अंदर। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं मेन प्लेटफॉर्म की तरफ। आज का जो हमारा मेन प्लेटफॉर्म है पोषण अभियान का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की सारी स्कीम्स, पोर्टल्स, मीडिया, अवार्ड्स, नोटिफिकेशन, एवरीथिंग इज लाइव इन दिस प्लेटफॉर्म। इट इज एन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहां पे आपको इंटर्नशिप स्कीम के बारे में पता चल सकता है, इन्हीं की तरफ से आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जा रही है। सो मैंने ये प्लेटफॉर्म खोल के रखा है, इसका लिंक मैं आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगी, जहां पे आपको डायरेक्टली एक्सेस मिल जाएगा इसका। और साथ साथ में अगर बात करें इंटर्नशिप की, सो यहां पे आप देख सकते हैं पीडीएफ का जो लिंक है वो भी दिया गया है। पीडीएफ के लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह की डॉक्यूमेंट खुल के आने वाला है। बात करें इंटर्नशिप प्रोग्राम की, सो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का ये आइडिया है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये टाइटल को फॉलो करते हुए ये इंटर्नशिप स्कीम बिल्ड की गई है, जिसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। वुमेन स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, सोशल एक्टिविस्ट, टीचर्स, कोई भी सिटी स्टेट के हों, आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज से आप यहाँ पे अपनी डिग्री कर रहे हैं तो आप जाके इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यू गाइस आर एलिजिबल। एज लिमिट रखी गई है 21 से लेके 40 इयर्स के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मिनिस्ट्री की तरफ से ये शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम आपको ऑफर की जा रही है, जिसमें आपको कम्प्लीट एक्सपोजर मिलेगा कि कैसे पॉलिसीज बनती है, कैसे प्रोग्राम्स बनते हैं और कैसे प्रोग्राम्स में पार्ट लिया जाता है, कैसे वुमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड डिफरेंट इशू को रेज किया जाता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर। सो वो आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको जो करंट अफेयर्स होते हैं और करंट इश्यूज होते हैं उन पे कैसे आप डील कर सकते हैं और कैसे उनको ओवरकम कर सकते हैं उसके बारे में आपको पता चल सकता है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी इंटर्नशिप के लिए। ड्यूरेशन की बात की जाए, सो टोटल 2 मंथ्स की आपकी ड्यूरेशन रहती है और यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है वो डायरेक्टली जाके इनके साथ इंटर्नशिप करते हैं। हर बैच में ये टोटल 20 इंटर्न्स लेते हैं, दैट मीन्स इस बैच में भी 20 इंटर्न्स लेने वाले हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तभी मैं आपके लिए कह रही हूँ कि आप यहाँ पे फटाफट से जाके बस अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आगे आपको बताऊंगी, उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं इंसेंटिव्स क्या मिलने वाले हैं। सो सबसे पहले आपको स्टाइफन की बात बताते हैं। 20,000 पर मंथ का आपको स्टाइफन यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा TADA भी आपको मिलने वाला है, AC बस से का, डिलक्स का या 3 टायर AC ट्रेन का आपको ट्रैवल कॉस्ट इनकी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। सो है ना अच्छी बात, और क्या चाहिए। इसके अलावा आपको जैसे ही आप अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं, एट दी एंड आपको अपनी प्रेजेंटेशन सबमिट करनी होगी। प्रेजेंटेशन आप जैसे ही सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो इंटर्न्स के पास बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। इंटर्न्स को TADA भी मिलने वाला है, स्टाइफन भी मिलने वाला है, इसके साथ साथ हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी जितने भी ड्यूरेशन के लिए आप यहाँ पे इंटर्नशिप करेंगे। सो वो चार्जेस भी आपके बच गए, यहाँ पे रहने का भी हो गया, TADA भी हो गया, साथ में स्टाइफन अलग से मिल रहा है। सो बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट्स यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अवेलेबल हो जाएगी ये 30 मई ऑनवर्ड्स, तो आप फटाफट से जाके अप्लाई कर लीजिए। अब बात करते हैं हमने अप्लाई कैसे करना है। तो एक आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है, ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इस तरह से आपको दिख जाएगा। इसका लिंक भी आपके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर ड्रॉप कर दिया है। email ID, फ़ोन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ID प्रूफ, रूरल एंड नॉन रूरल, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, परमानेंट हाउस एड्रेस है कि नहीं है, कॉरेस्पॉन्डेंस है तो वो भी बता सकते हैं, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन से कोर्स में इनरोल्ड है, कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है और आपका
जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उनके एचओडी की डिटेल्स यहाँ पे चाहिए होगी। देन आप नेक्स्ट पे अपनी एजुकेशन डिटेल्स के बारे में और बताएंगे और इसी तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे चलेगा। सो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये कम्प्लीटली आपका PDF है। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। इन केस अगर कोई भी डाउट रहता है तो आपको पता है आपको क्या करना है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछे या आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसका लिंक मैं आपके लिए प्रोवाइड कर देती हूँ। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।